देखते हैं। और ये बच्चा देखो क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, डर गया भाई यार, इसीलिए तो शीशे निकाल लिए थे हम लोगों। अरे भाई यार बंद कर दो, थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए भैया, देख लो यार आगे। तो भाई जो भी ये इसमें एक चाकू वगैरह डलवा लिया भाई मर्डर वगैरह करने के लिए, यार ये कितनी औसम दीदी। और उसके बाद यहाँ पे देखो भाई कितने डेंजर वाले लोगों नाखून मारे हैं, अभी ये पता नहीं चला किसने मारा भाई। अगर वीडियो देख रहा तो भाई समझ जाओ, अगर पता चलता तो तुम्हारे साथ क्या होता तुम सोच भी नहीं सकते हो भाई। रुपया भैया मेरे पास खुद ही नहीं, एक रुपया ना है मेरे पास, देख लो जेब चेक कर लो। अरे जितने निकले हैं मैं सब तुम्हारे, अब इससे ज़्यादा कुछ। कैसा लग रहा है आपको, आपका दोस्त नहीं आया भाई। अरे बता तो, हाय गाइज आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में गाइज, आई होप सारे सारे बढ़िया होंगे। तो गाइज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरज 121 ब्लॉग्स में गाइज। तो अभी यहाँ पे ये खड़ा है अपना काला सांड भाई, अभी इसकी बॉसिंग वगैरह हुई थी। तो देखो भाई बिल्कुल भी आप लोगों को कहीं पर भी भाई मिट्टी वगैरह नहीं चमकेगी, देखो भाई मस्त लग रही है बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह नहीं। बाकी ये थोड़ी बहुत जो आप लोगों को टायर पर दिख रही है अभी की, ये जस्ट अभी हम लोग बाइक को निकाल के लाए भाई, मेरे इधर बारिश होती है तो कीचड़ वगैरह हो जाता है। बाकी ये चक्कर भाई थोड़ी बहुत धूल गर्दा आ गई है, बाकी तो भाई कवर करके रखी थी भाई हम लोगों ने, तो मस्त लग रही है एक नंबर भाई, देखो चमक रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई, भाई आप लोगों ने जो लोग पहले से वीडियो देखते हैं भाई उनको पता होगा भाई अपने साथ एक पंडित रहता है भाई, उसका है बर्थडे आज, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं भाई। मैं हूँ और भाई है और वो है साथ में भाई, तो भी और भी शायद उसका एक दोस्त आने वाला है, तो भी यहाँ पर खड़े हैं और रेलवे क्रॉसिंग बंद है। तो मैंने सोचा भाई अपना इंट्रो वगैरह शूट कर लेते हैं। और ये बच्चा देखो क्या कर रहा है भाई, क्या कर, डर गया भाई। तो अभी यहाँ पे वैसे उसको कर रहा था, तो भाई ये खड़ा अपना गला सांड, तो रेलवे क्रॉसिंग खुलने का वेट करें, खुल जाता है फिर उसके बाद चलते हैं। तो भाई अभी भाई शीशे निकाल दिए थे, तो अभी नीचे से निकालने वाले हैं भाई अपने काले सांड को भाई, तो जो हम लोग लेट हो जाएंगे भाई थोड़ा, तो अभी निकालते हैं देखते निकल पाए कि नहीं, पहली बार ट्राई करने वाले हैं भाई, निकल जाएगी, हल्का सा झुकाना अब तो भाई अभी देखते निकल पाएगी, निकल गए आराम से यार, इसीलिए तो शीशे निकाल लिए थे हम लोगों ने। अरे भाई यार बंद कर, पंडित पीछे धक्का लगा देते हैं, गड्ढे में बसी ना, हाँ गड्ढे में तुमने यार धक्का दो आगे, हैबिट पड़ जाएगी अब, रोड रोड निकाल लोगे, अभी पहली बार निकाल लेना गाइस। तो अभी यहाँ से एक तो निकल गए, दूसरी जगह निकालते चल के आ गया ले, वो तो ऊंचा है वहाँ से आराम से निकल जाएगी, झुकाने तक नहीं पड़ेगी भाई। बाकी ट्रेन वगैरह तो नहीं आ रही भाई, सब कुछ देख के चलना पड़ता है, तो शीशे इसीलिए हम लोग ने हटा दिए क्योंकि अपने तरफ पड़ती है रेलवे क्रॉसिंग भाई, और अपना सारा टाइम वो देखो शीशे खोल दिए और फेंक दिए उधर, निकल जाएगी पंडित पकड़ो जरा, निकल गई से अब हम लोगों का टाइम नहीं बेकार होगा भाई, थोड़ी दिक्कत होगी निकालने में, बाकी भारी है ना अपना काला सांड भाई, तो भी इसको लेके चलते हैं भाई। लो अब आदत पड़ जाएगी, बैठो हाँ थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, ट्रैफिक देखो भाई अभी निकाल लो उसका, ट्रैफिक में कभी कभी फंस जाएंगे भाई, तो अभी ट्रैफिक से निकलने के बाद मिलते आप लोगों को भाई। गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई ट्रैफिक से, ट्रैफिक में भाई निकालने में थोड़ा आराम आराम से निकलना पड़ता है क्योंकि अपना काला सांड है जो भाई वो थोड़ा भारी टाइप का और हैवी भी है, तो इसको निकालने के लिए भाई देखना पड़ता है, तभी इसको भाई आराम से निकालना पड़ता है, कहीं इधर टच हो जाता है कहीं इसका पिछवाड़ा टच हो जाता है, सब कुछ देख के निकलना पड़ता है भाई। तो भी भाई शीशे हम लोगों ने घर पे इसीलिए खोल देते क्योंकि भाई हम लोगों को भाई काफ़ी ज़्यादा इस समय गर्मियों में ज़्यादा बंद रहता है, तो अभी हम लोग भाई इसको शीशे निकाल के हम लोगों ने रख दिया ताकि भाई कहीं हम लोगों को अर्जेंटी में जाना हो तो भाई दिक्कत हो जाती है हम लोगों को, मतलब इसी के चक्कर में भाई हम लोगों ने शीशे इसके निकाल के रख दिए। और इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार निकाले थे भाई इसके शीशे, तभी हम लोगों को मतलब ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, और एक बार तो इसका शीशा भाई निकालते समय गिर गया था, और भाई जो मना उसका जो शीशा है वो टूटा नहीं था, अगर टूट जाता तो भाई घर पर पक्का डांट पड़ती क्योंकि भाई न्यू बाइक थी, तभी हम लोगों ने जल्दी के चक्कर में निकाल दिया था। और आज भाई आप लोगों को बता दें आज है संडे भाई, तो इसी चक्कर में भाई बहुत ज़्यादा सन्नाटा पड़ा हुआ है रोड पे, बिल्कुल भी आप लोगों को ट्रैफिक देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है भाई, आगे देख लो अंकल जी, भैया देख लो यार आगे, तो भाई लोग आगे पीछे देखते नहीं और इसे निकल पड़ते हैं, और अगर कुछ भी हो जाए उनके साथ तो भाई
बाइक वाले बंदे की लाइक दे देते हैं भाई, तो भी हम लोग ट्रैफिक नहीं है तो आराम आराम से चलेंगे भाई। बिल्कुल भी यार ट्रैफिक देख ही पा रहे हो भाई, यहाँ पर तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि कुछ कहने को ही नहीं भाई। तभी हम लोग, आज संडे था और अचानक से भाई इसका बर्थडे भाई जो कल है यहीं पे यहीं। तो गाइस अभी यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे इसके लिए पेस्ट्री या केक वगैरह कुछ लेते हैं, फिर चलते हैं भाई। क्या लोगे, पेस्ट्री लोगे केक? हम दिलाएंगे तुमको अपनी मनी से, यूट्यूब मनी से इसको बर्थडे कराएंगे गाइस। तो अभी चलते हैं, पेस्ट्री वगैरह चूज़ करते हैं चल के, कौन सी क्या लेनी है भाई। पेस्ट्री केक क्या लोगे? शाबाश, देख लो इधर फ्रीजर में लगी हुई। तो आज यहाँ पे रखी हुई पेस्ट्री वगैरह, देखते हैं। चाकू वगैरह ले लो भाई, इसको मेडिसिन में डाल दो। तो भाई अभी देखें कौन सी चूज़ की है भाई, इधर बता दो जरा। तो भाई अभी इन लोगों ने ये वाली चूज़ की भाई, थोड़ी चॉकलेटी चॉकलेटी लग रही है भाई को, तो इसी को पैक कराते हैं और लेके चलते हैं भाई। बजट वाला बर्थडे मनाएंगे इसका भाई अपनी तरफ से मस्त। तो भाई अभी पैक वगैरह कराते हैं फिर चलते हैं। तो भाई अभी ये इसमें एक चाकू वगैरह डलवा लिया भाई मर्डर वगैरह करने के लिए। एक दो लोगों का भाई, तो भी इसको लेके चलते हैं भाई। वैसे भी मुझे पकड़ना नहीं, आप लोगों ने दिखा दिया, इसको पकड़ो लो, ये लो, खिलाना मत बनना इसकी पेस्ट्री का, बनाने केक बना दोगे तुम लोग भाई तभी। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ लेके चलते हैं भाई, ट्रिपलिंग करनी पड़ रही है भाई। बैठो बैठो। तो गाइस भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई, हालत ख़राब हो रखी है हेलमेट लगाने में, फिर भी आपका भाई लगा रहा है भाई। सही से रखना भाई, गिरा मत देना। तो गाइस भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है और भाई ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं हम लोग भाई। तो अपनी बाइक है इसमें मतलब एक दिक्कत नहीं है, बाकी जो आजकल की बाइक्स आ रहे हैं उनमें मतलब एक दिक्कत हो जाती है भाई, दो लोग से ऊपर बैठ ही नहीं पाता, तीसरा बैठता तो अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है भाई। अपनी बाइक में क्या भाई, आराम से तीन चार लोग, तो हम लोगों ने चार लोगों को बैठा लाया भाई और इतनी आराम से हम लोग बैठ गए। कितनी ऑसम है, जान दे देंगे इसके लिए। तो कोई दिक्कत नहीं होती हम लोगों को भाई, बिल्कुल आराम से जाते हैं और अभी भी तीन लोग बैठे हैं बिल्कुल मस्त से। और भाई यहाँ पर पुलिस वगैरह तो नहीं खड़ी है, ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं बाकायदा हम लोग भाई, पूरी सेफ्टी के साथ चलते हैं हेलमेट वगैरह लगा के। और वहाँ की सिटी वगैरह में क्या होता है भाई, जितने लोग बाइक पर बैठे हों भाई सबको हेलमेट लगाना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए। फिलहाल हम लोग तो भाई जो चला रहा है वो लगाए, बाकी सब लोग तो भाई ऐसे बैठे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई, एक रेस्टोरेंट है भाई फैक्ट्री कैफे नाम से, तो वहीं पे आप लोगों ने देखा हम लोगों ने 1K का सेलिब्रेशन वहीं पे किया था, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं भाई। तो वहीं जाके अपनी मतलब भाई का सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे। तो भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई, इतनी गर्मी हो रखी भाई, बोलने में सांस वगैरह फूलती है, तो भाई कमी कम बोलते हैं आजकल, देख रहे भाई तुम्हारा भाई बिल्कुल। मैंने 4 दिनों से भाई बिल्कुल भी बाइक नहीं चलाई है, तो भी आज 4-5 दिनों के बाद भाई बाइक को टच किया है मैंने, क्योंकि भाई जब से हम लोग सर्विस करा के लाए थे उसके बाद अपने इधर भाई बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो बारिश के चक्कर में अपने इधर भाई पानी वगैरह भर जाता है भाई, कुछ लोगों को पता होगा, इसके चक्कर में भाई हम लोग मतलब बाइक वगैरह अपनी नहीं निकाल पाते हैं भाई। अब क्या करते हैं, ऑटो वाले भैया देखे भैया कहाँ भी आ रहे भाई, इतनी पास से निकल गए, आप लोगों ने देखा होगा। और आजकल भाई यार भाई सर्विस कराने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है भाई, बार बार गैर इसके हैं जो वो अटक जा रहे हैं भाई, इसकी बात करनी पड़ेगी भाई। मैंने उसका नंबर ले लिया था भाई, जिस भाई ने अपनी बाइक की सर्विस की थी तो उसका मैंने नंबर ले लिया था, ताकि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे मैं बात कर लूँ भाई। तो उनका नंबर है मेरे पास भाई, उनके पास भी SP होंडा बाइक है, तो उन्होंने कहा था भाई कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना फ़ोन करके भाई। तो भाई इतनी भयंकर आप लोग देख ही पा रहे हो भाई, सीधी सीधी धूप लग रही है अपने ऊपर, बाकी तुम्हारे भाई ने हाथ में भाई ग्रिप वगैरह डाल रखी है और ये खड़ा काला सांड भाई देख ही पा रहे हो भाई। तो भी हम लोग आराम आराम से चलते हैं भाई, ज़्यादा तेज़ हाइपर राइडिंग करेंगे भाई। और अभी अभी तो हम लोग मतलब दोपहर का भाई 3 बज रहा है भाई, तो हम लोग जा रहे हैं। और बाकी शाम को भाई अपने एक भाई से बात हुई थी जो मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है भाई, तो उसके साथ हम लोगों को देखो भाई कैसे लिए आ रहे हैं सीधे सीधे भाई, अपने आप को भाई देख के चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई आजकल लोग उल्टा सीधा चलते रहते हैं, तो भाई देख के अपन को ही चलना पड़ेगा। तो भाई इतनी भयंकर वाली धूप हो रखी है भाई, इसका बर्थडे मनाने का मन था तो मैंने सोचा भाई मना ले, मैं तो अपना मनाता नहीं हूँ भाई, कुछ लोगों को पता होगा मैंने अभी तक अपना 1 बार बर्थडे वगैरह नहीं मनाया, क्योंकि भाई घर पे ही नहीं मनाया जाता है,
बाकी दोस्तों के साथ मना लेते हैं अगर मन करता है, एक दो बार मैंने भी मनाया, और बाकी ये तो छोटा है भाई, इसका मन पूरा कर देते हैं, तो भाई इसको बर्थडे मनाते चल के। इसका मैं और भाई आप लोगों ने देख लिया होगा, तीन लोग बाइक पे जा रहे हैं और बाकी भाई ज़्यादा लोग एडजस्ट नहीं हो पाते बाइक पे, भाई तीन चार लोग तो सीमित है अपनी बाइक पे भाई, तो भी आराम आराम से चलते हैं भाई और देखते हैं चल के भाई कैसा क्या सीन बनता है वहाँ का भाई। किधर गेट पे होगा तुम्हारा दोस्त, इधर किधर? अरे इधर बोल देते ना फैक्ट्री कैफे आ जाए डायरेक्ट। तो गाइस इसने अपने दोस्त को भी बुला रखा है भाई, तो पता नहीं वो कहाँ पे होगा, तो उसको भी कंपनी गार्डन में एड्रेस दे रखा है, तो भाई तो भी कंपनी गार्डन के गेट पे रोकते चल के और ये अपने दोस्त को देखेगा भाई। कोई आ तो नहीं रहा यार, मिरर में ये दिक्कत है, पीछे से मतलब दिखता नहीं है ना कोई आ रहा कि नहीं। तो अभी हम लोग ये है कंपनी गार्डन का गेट भाई, तो इसके अंदर जा रहे हैं इनका दोस्त, देखते हैं भाई कहाँ पे क्या है, उस हिसाब से पता चलेगा भाई। यही छहरी में अपनी बाइक को भाई, छहरी में अपनी बाइक को खड़ा कर देते भाई, कलुआ है अपना और काला हो जाएगा, तो इसलिए इसको आराम से यहाँ पे छहरी में पार्क करते और इनके दोस्त को देखते हैं भाई कहाँ लापता है भाई। चलो भाई देखो चल के अपने दोस्त को आराम से। तो भाई बाइक को यहाँ पे खड़ा कर दिया, लॉक कर देते हैं आराम से भाई, अब चलते हैं। चलो हाँ, तो गाइस यहाँ पे खड़ा कर दिया अपने काले सांड को भाई छहरी में, हल्की सी धूप आ रही है और 5 मिनट लगेगा बस उसको देख के आते हैं भाई चल के, बाकी ले तो अंदर भी जा सकते हैं हम लोग, देखो भाई लॉक नहीं है। तो गाइस अभी मैं यहीं खड़ा रहता हूँ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, छहरी में यहाँ पे बैठ जाता हूँ भाई और ये लोग जा रहे हैं देखने के लिए, मैं यहाँ पे बैठ के भाई अपने कलुआ की निगरानी करता हूँ भाई, क्योंकि अपनी बाइक में आप लोगों को दिखाते हैं भाई एक प्रॉब्लम हो गई, आजकल के लौंडे पता नहीं क्या उत्पात है भाई, खुद तो चीज़ लेने पाएंगे भाई, यहाँ हम लोगों ने भाई इतनी मुश्किल से कैसे भी करके बाइक ली और भाई एक ना एक चीज़ होती जा रही, पता नहीं क्या लोगों को प्रॉब्लम है भाई। उस दिन हम लोगों ने पता नहीं कहीं बाइक खड़ी कर दी थी और उसके बाद यहाँ पे देखो भाई कितने डेंजर वाले लोगों नाखून मारे अभी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी ये पता नहीं चला किसने मारा भाई, अगर वीडियो देख रहा तो भाई समझ जाओ, अगर पता चलता तो तुम्हारे साथ क्या होता तुम सोच भी नहीं सकते हो भाई। यहाँ पर 3-4 नाखून मारे, इसका जो स्टिकर है पूरा स्टिकर ही फाड़ दिया, पता नहीं भाई नाखून है क्या भूतिया नाखून नाखून है भाई, दिल से बुरा लग रहा था भाई। और तभी मैं बाइक को ज़्यादा कहीं खड़ा नहीं करता हूँ आंखों के सामने भाई, उल्टी सीधी चीज़ें होती रहती हैं भाई तभी। और यहाँ पर भाई उस दिन देखो अंकल जी ने रगड़ मारी थी, स्क्रैच वगैरह पड़ गए थे, तभी भाई उल्टा सीधी जगह खड़ा नहीं करते। और वहाँ की ये तो आप लोगों ने देख गया होगा, इधर से भी अपनी बाइक टूट गई थी भाई, तभी कहीं खड़ा नहीं करते हैं भाई लोग गए, तो अभी देखते कहाँ है उनका दोस्त भाई। A few moments later. तो गाइस यार 5 मिनट हो गया यार भाई, ये लोग पता नहीं कहाँ रह गए हैं यार भाई, वेट करते करते हालत ख़राब और कितनी ज़्यादा हेलमेट लगा के भाई गर्मी लग रही है। और भाई मेरे बाल बड़े रखे हैं, इस बार जब मैं हेयर कट कराने वगैरह अपना जाऊँगा तो बाल बिल्कुल 0 पॉइंट करा दूँगा भाई, गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है हेलमेट लगाने में। और ये लोग जल्दी से आए भाई, चलें पेस्ट्री वगैरह काटे चल के भाई। और भाई बताओ बढ़िया? रुको जरा सब्र करो, रुपया भैया मेरे पास खुद ही नहीं, एक रुपया ना है मेरे पास, देख लो जेब चेक कर लो, देख अरे जितने निकले मैं सब तुम्हारे, अब से ज्यादा कुछ सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ नहीं, अरे तुम जेब चेक कर लो, जितने अरे जितने निकले मैं तुम्हारे, जितने निकले मैं जितने भी देखो, यह चेक कर लो तुम, अरे अभी चेक कर लो, मजाक ना कर रहे देखो मेरे पास खुद नहीं है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हाँ देख लो, इसके नहीं पीछे पड़ते हैं, आराम से देख लो तुम, देख लिया बढ़िया है, हाय कर दो एक बार फिर हाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। समोसे पकड़ा भाई तभी आया नहीं कर पा रहा भाई, अब क्या बताएं यार भाई, इतनी यूट्यूब पेमेंट वगैरह तो आ नहीं रही है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार आप लोग सपोर्ट अपोर्ट करो जल्दी जल्दी से अपने चैनल को भाई, वीडियो शेयर यार किया करो, लाइक आइक कर दिया करो भाई, ताकि मैं भी इन बच्चों को रुपए दे सकूँ यार, मेरा भी सपना है यार बच्चों को, यार ये लोग मांगते हैं, इनको मना करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता यार भाई, मन करता है इनको भाई ये लोग मांगे, इनको बिना मांगे ही मैं दे दूँ, पर यार भाई क्या करूँ मेरे पास खुद नहीं है यार, समझ सकते होगे कुछ लड़के भाई, बाकी जब यार रुपए होंगे अपने पास तब पक्का बिल्कुल दे दिया करेंगे भाई, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो भाई। और ये लोग पता नहीं भाई ढूंढने गए हैं या खुद खो गए हैं भाई। तो गाइस भाई ये लोग आ रहे हैं अभी, पता नहीं भाई दोस्त तो इनके साथ आ नहीं रहा भाई, बस कैसा दोस्त है यार तुम्हारा, मजा आ गया बस।
हम वेट कर रहे हैं। तो गाइस जिनका दोस्त तो आया नहीं भाई, चलो हम ही लोग चलते हैं भाई, सेलिब्रेट करते हैं चल के इनका बर्थडे। भाई कैसा लग रहा है आपको, आपका दोस्त नहीं आया भाई? अरे बता तो कैसा लग रहा है, अरे बता यार कैसा लग रहा है तुमको, तुम्हारा दोस्त नहीं आया भाई? कॉल तो की थी। तो भाई जी लोग भी जा रहे हैं, हम भी चलते हैं भाई पीछे से, वरना अकेले अकेले ये लोग काट लेंगे भाई पेस्टी। क्या कहा था तुम्हारे दोस्त ने? शायद कोई प्रॉब्लम हो गई हो इसीलिए ना आ पाया। तो भाई जब इन लोग जा रहे हैं फैक्ट्री कैफे, बैठो दूर है अभी पंडित, बैठो। दबा मत देना पेस्ट्री, चले तो भाई जिनका दोस्त आया नहीं, हम ही लोग चलने भाई को यार। चाचा देख क्या आराम से भाई, इतना ज़्यादा इस वाली रोड पे सन्नाटा है भाई, मैंने सोचा नहीं था इतना सन्नाटा होगा। तो भी इधर शहरी में अपनी बाइक को लगा देते हैं, उधर ही लगाते चल के शहरी है। तो क्या हुआ, तो भाई इसने पहले शाम को यहाँ पे लगाते हैं भाई और चलते हैं उधर कीचड़ में। देखो ऑफ रोडिंग करके आया हो जैसे। तो भाई अपने काले सांड को यहाँ पे खड़ा कर देते भाई और लॉक भी कर देते हैं और चलते हैं अंदर, आप लोगों को लाइफ स्टाइल ब्लॉग बना के दिखाते हैं अंदर। अगर ये एसी में आराम से बैठते हैं चल के, और भाई लोग तो पहले ही चले गए, मुझे छोड़ दिया बाहरी भाई। तो भी चलते हैं अंदर, और भाई ज़्यादा भीड़ भी नहीं यहाँ पे भाई, आराम से बैठ के चिल करते हैं और इस पहले वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आई हो, ऐसे वीडियो अपने चैनल पे आते रहते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कमेंट शेयर एंड भाई जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो देख लिए थे वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।